जय हिंद। बिहार सिविल इंजीनियरिंग अकेडमी समय अभय सदानंद साहब तमाम साथियों का स्वागत करते हैं, जो कि 21,391 पोस्ट के लिए अपने जी जान सब लगा के अपनी तैयारी में लगे हुए। उन सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपका एक रिजल्ट, आज हो एग्जाम, कल हो एग्जाम, परसों हो, आपका एक रिजल्ट लेना है, इसलिए आप पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेबल होकर किसी के बहकाव में ना जाकर कि नहीं ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। आप तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल से, उस लेवल से तैयारी करते रहिए। 10th लेवल से एग्जाम जो पूर्ववर्ती हो रहा वही एग्जाम होगा आप सभी को। इधर कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं उठा के पढ़ना है, जो 10th लेवल में है, जो सिलेबस में दिया गया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए। आप प्रत्येक दिन एक सेट मारते रहिए और उसका डिस्कशन करते रहिए, और 2-3 आदमी हो साथ में तो सम्मिलित होकर उस टॉपिक को जो सेट मार रहे हैं उसको चारों तरफ, चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब कीजिए। और रही बात कि जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं हमको, उन सबको ये मैं आश्वासन देने जा रहा हूँ कि अभी तक जो भी है आप सभी 24 तारीख को ही एग्जाम मानकर अपना तैयारी कीजिए। मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मुझे विश्वास है, और आप सभी को भी अपने तैयारी के ऊपर विश्वास होगा कि हाँ हमारा रिजल्ट होगा, तो इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपना तैयारी पर पूरी तरह फोकस कीजिए और किसी को भी बहकाव में नहीं आना है। क्या हम हो, क्या दूसरा कोई भी बरगला रहा है कि हम सेटिंग करा देंगे चाहे कुछ करा देंगे, उससे वंचित रहना है। पूरी निष्पक्ष तरीके से चुना आपको ये एग्जाम होगा जिसमें आप सभी का रिजल्ट बेहतर होगा। जैसे अभी पूर्ववर्ती एग्जाम जो हुआ है पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष हुआ है, उसमें कोई धांधली वगैरह किंतु परंतु नहीं हुआ है। बाकी जितने भी हमारे साथी हैं आप सभी को ये बता रहे हैं कि जितने भी एग्जाम सेंटर का जो अलॉटमेंट होना था पेपर में भी 2-3 दिन पहले दिया हुआ था, और पहले भी दिया हुआ था कि 24 को, 1 को, 7 को और 15 को एग्जाम होने जा रहा है, उसमें उसी डेट को आप फिक्स मानते हुए जहां तक उम्मीद है उसी डेट को एग्जाम भी होगा। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, ये मन में नहीं लाना है कि क्या हमारा एग्जाम अगले महीना होगा 24 को होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आपका पढ़ाई का सिलसिला तरीका क्रमबद्ध वो टूट जाता है, तो फिर आप उसको लाने में समय लगेगा। चाहे जो भी छात्र हैं, आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत सारे चैनल डाल दिए कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, आप 24 मान के एग्जाम दीजिए। मेरा हौसला हमको अफजाई करना है, आप सभी को आप हौसला अफजाई करते हुए अपने तैयारी पूरी तरह से एकदम कीजिए कि हमको 23 को हो या अगले महीना 1 को हो, हमको एग्जाम देना है तो हमारा एक सीट होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा एग्जाम में गए और फिर वहाँ हम ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लगे आप इधर उधर देखने भाग दौड़ के जिंदगी में जैसे अभी के चल रहा है, तो एक आप 6 जो भी समय बचा है उसमें पूरी तरह से मेहनत करके रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के क्रम में आपको रनिंग का भी ख्याल रखना है, उसमें भी हाई जंप को आपको हटा दिया गया है टाइगर, तो आपको सीजर हुआ, बेली हुआ और सामने से ये तीनों चार जंप जो आपको करना है वो मैं सब तरीका करके बताऊंगा, बशर्ते आप सभी को पहले अपने आप पे तैयारी करना की रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट होगा तभी मैं हाई जंप हो चाहे गोला हो चाहे रनिंग हो कोई भी करा सकते हैं, लेकिन जिनको भी लगे कि हमारा रिजल्ट होता है हमेशा वो तैयारी में लग जाए, अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। पूरी तरह से बिहार फिजिकल लर्निंग अकेडमी आपके साथ है। ये अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद पड़े तो इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें, और कोई भी अगर नया जानकारी हमको मिलता है तो तुरंत आप सभी के बीच में साझा करता हूँ। आपको भी जो सुझाव लगे वो हमको सुझाव दीजिए, मैं आप सभी को फिर से पुनः सुधार के अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि उसको क्या करना है नहीं करना है। मैं बहुत अध्ययन करता हूँ या करके भी बताता हूँ, जो भी आपको 10th लेवल का जो एग्जाम होता है उसी को आप अकॉर्डिंग रखिए, बशर्ते मेरा एक सुझाव मानिए। आप सभी फोन से दूरी बनाए रखिए और प्रत्येक दिन एक सेट मारिए, आपका रिजल्ट होगा होगा होगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, आपका रिजल्ट होगा। बस हर आप सही से आप किसी को चाहते हैं चाहे वो नौकरी हो चाहे कोई भी चीज हो तो आपको मिलता है, तो आप नौकरी के प्रति इतना जागरूक हैं कि आपका नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, इस वर्ष आपका नौकरी एकदम होगा, आपके घर परिवार सुखी संपन्न रहेगा। बिहार फिजिकल अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।